रेलवे एएलपी का जो भर्ती निकला है 5696 उसको लेकर फाइनली अपडेट आ चुका है। आप सभी को मैंने कल बताया भी था कि रेलवे जो चेयरमैन है वो एक मीटिंग का व्यवस्था किए थे सारे टीचर और स्टूडेंट को लेकर, और उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल डिसीजन क्या है। जो वैकेंसी निकला है 5696 को लेकर वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टेक्नीशियन का पोस्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर बाकी एनटीपीसी ग्रुप डी का पोस्ट या एज को लेकर क्या होगा, इस सब कुछ के बारे में चर्चा हुआ मीटिंग में। क्या क्या हुआ मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, एकदम स्पष्ट बात हमें, और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनको ये बता दीजिएगा शेयर कर। जो फाइनल डिसीजन निकल कर आया है रेलवे का 5696 वैकेंसी को लेकर वो क्या है, एकदम स्पष्ट बात में रेलवे का कहना है कि ना जो भी वैकेंसी क्रिएट होता है रेलवे में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। वो सॉफ्टवेयर कौन है वो पता नहीं, ना हमको ना आपको, एक सॉफ्टवेयर ही बताता है कि रेलवे में पद कितना खाली है। ये रेलवे के जितने भी बोर्ड के चेयरमैन हैं जो अपना डाटा देते हैं हर साल, वो सब नहीं, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। तो जितने भी जोन हैं हर जोन से जो वैकेंसी निकल कर आया है 6 साल में उनके अनुसार आया है आपका 3100, लेकिन सरकार जो है वो छात्रों के ऊपर मेहरबान होकर, चुनाव आने वाला है इस चीज को नजर पर रखते हुए ना वो क्या की वैकेंसी जो है वो अपने तरफ से 2500 बढ़ा दी, ठीक है, और ये बढ़कर हो गया आपका वैकेंसी 5600। यानी सरकार जो है आप सभी छात्र पर जो है वो थोड़ा मेहरबान होकर 2500 वैकेंसी बढ़ा दी। जो सॉफ्टवेयर था जिसके तरह से जिससे वैकेंसी क्रिएट होता है वो वैकेंसी क्रिएट हुआ 5 साल में मात्र 31, ठीक है। तो रेलवे बोला इस वैकेंसी में कोई भी छेड़खानी नहीं होगा, जितना वैकेंसी से उतना ही होगा। तो एक चीज पहला फाइनल हो गया कि जो एएलपी का वैकेंसी था वो इतना ही आएगा, पहला डाउट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बताऊंगा। दूसरा जो डाउट था आप सभी का टेक्नीशियन को पोस्ट को लेकर, तो रेलवे का बोलना है टेक्नीशियन का पोस्ट और रेलवे एएलपी का पोस्ट इस बार जो दोनों भर्ती है वो अलग अलग आएगा। यानी रेलवे में ड्राइवर में आपने देखा इतना पोस्ट, टेक्नीशियन का पोस्ट जो है वो अलग से ये जारी करेंगे आने वाले दिनों में। वो 500 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस तरह ये लोग वैकेंसी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोले हैं वो अलग से देंगे। तो आप एक बात समझ गए, एएलपी में जो है लोको पायलट का वैकेंसी अलग जारी किया गया, टेक्नीशियन का पोस्ट अलग आएगा, ठीक है। आगे बोला गया एज को लेकर, तो सभी ने बोला कि भैया जो एज है कोरोना को लेकर जो है जो बहुत समय बर्बाद हुआ बहुत बच्चों को, उसमें क्या है, तो बोले हाँ एज के ऊपर थोड़ा बहुत सोच सकते हैं हम लोग, आपको हो सके अगर हम देखेंगे हमारे डाटा में अगर फिट बैठता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है उनके पास जो मतलब अलादीन का चिराग जो भी बोल लीजिए, अगर उसमें फिट बैठता है तो 3 साल का जो छूट है उम्र में ये दिया जाएगा। तो आप क्या क्या देखिए, अभी आपने ये देखा कि एएलपी का जो वैकेंसी है वो नहीं बढ़ेगा, रेलवे के अनुसार कितना ही रहने वाला है, 2500 वैकेंसी जो है वो मेहरबान होकर रेलवे जो है वो बढ़ा दी है आने वाले 1 साल के लिए और, ठीक है। टेक्नीशियन का पोस्ट जो है वो अलग से आएगा, एज में 3 साल का छूट आपको देखने को मिल सकता है अगर उनके डाटा में उनका सॉफ्टवेयर जो उनके पास है, ठीक है, उसमें फिट बैठे थे। अगला बोला गया कि अब रेलवे का जो वैकेंसी है ना एग्जाम कैलेंडर को भी बोला गया, एग्जाम कैलेंडर का क्या होगा रेलवे का, जैसे हर संस्था एग्जाम करवाती है एसएससी बैंक हर साल एग्जाम, आपको एग्जाम कैलेंडर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बोला गया 2025 से जो है आपको एग्जाम कैलेंडर देखने को मिलेगा और एग्जाम कैलेंडर देखने को मिले चुनाव जीत गए तो, ठीक है, और चुनाव अगर जीत गए सही मायने में तो फिर एग्जाम कैलेंडर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बोला नहीं गया, मैं बोल रहा हूं अंदर आत्मा की बात बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोला नहीं गया, मैं अंदर आत्मा की बात बोल रहा हूं। उसके बाद ग्रुप डी को लेकर बोला गया, ग्रुप डी का वैकेंसी क्या होगा, उन्होंने बोला देखिए ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकाले थे 103018 में उसकी प्रक्रिया ना अभी कल ही परसों खत्म हुआ है, ठीक है, तो आने वाले दिनों में मतलब 25-24 के अंत में आपको ग्रुप डी में भी जो है वो भर्ती देखने को मिल सकता है, मिल सकता है, अभी ऐसा बोला गया। क्या बोलेंगे कि नहीं आएगा, यही बोलेंगे कि आएगा। अच्छा कोई रेलवे बोर्ड में बैठेगा और इतना आंदोलन होगा बच्चे ना खुश होंगे और उनसे कुछ पूछा जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी आएगा, तो क्या बोलेंगे, हाँ आएगा,
कितना आएगा ये नहीं बताएं, आएगा सभी आए, सब कोई आए ही बोलेगा, सब यही बोला है, तो ये भी बोला गया है। एनटीपीसी पूछा गया तो बोला गया एनटीपीसी में देखिए वैकेंसी ऐसा है, एनटीपीसी में जो है ना अभी जो भर्ती निकाले थे हम लोग कुछ साल पहले ना, उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, जब वो पूरी हो जाएगी तो इसका ही वैकेंसी जो है वो आएगा, मतलब ये आएगा, ये भी बोल दिया गया। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट था, जितना भी डाउट था आप सभी के दिमाग में वैकेंसीज को लेकर क्या क्या है, वो मैंने सब बता दिया। आपका डाउट था एएलपी का वैकेंसीज बढ़ेगा, के लिए अगर डाटा में फिट हुआ तो वार्षिक कैलेंडर जारी होगा, अगर चुनाव जीत गए हम लोग तो अगले साल से जो है हम लोग क्या करेंगे, हर साल देंगे। ठीक है, अगर जीत गए तो, अगर फिर सही मायने में जीत गए तो नहीं देंगे, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब समझ जाओ। ठीक है, फिर बोला गया आप सभी का ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो प्रक्रिया अभी कल ही रात को पूरा हुआ है और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी का भी डाउट क्लियर, ठीक, एच को भी क्लियर, एएलपी का वैकेंसी भी क्लियर, टेक्नीशियन भी क्लियर, एनटीपीसी का बोला गया अभी प्रक्रिया चल रहा है पहले वाला ही, जब ये पूरा हो जाएगा 10-12 साल में तो उसके बाद आपके जब भी बाल बच्चा बेटा बड़े होंगे ना तो वो लोग फॉर्म भरेंगे तब हम लोग भर्ती निकालेंगे, मतलब समझ जाइए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और तो रेलवे में आप सबसे कुछ डाउट था जो भर्ती लगा, अरे हम तो बहुत ज्यादा सोचेंगे ना, फिर 4 साल हम लोग देखेंगे क्या करना है, फिर 18 से 29 तक फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो पूरा निष्कर्ष जो कंक्लूजन निकला आप सभी का वो आपने देख लिया, क्या क्या निकला, क्या क्या मीटिंग हुआ, अब डिसीजन आपके ऊपर है क्या करना है, बाकी टीचर लोग ग्रुप में क्या मीटिंग होगा, क्या बात होगा, हम लोग के बीच में कैसा डिसीजन पहुंचते हैं वो आपके साथ हम लोग साझा करेंगे, जो भी डाउट होगा रेलवे को वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो 80-85 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, 1 करोड़ बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, कितने सीट के लिए, तो 56 से 96 पोस्ट के लिए आपको लड़ना है, तैयारी अच्छे से करिए, रेलवे ग्रुप करना है, हम लोग रेलवे ठीक है चलो, वरना मुंह से निकल भी जाएगा तो आप लोग बोलेंगे तब टीचर होकर आकाशा बात बोल रहे, तो सभी को जय श्री बाबू।